जय हिंद फ्रेंड्स, मेरा नाम बाबा रामदास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बाबा की खरी कोटी। आज मेरे साथ हैं अवनीश भाई। कल सारा दिन हम लोग लखनऊ में जो है अपने एक पूरे एक ग्रुप के साथ चुनाव की समीक्षा कर रहे थे। अवनीश भाई सारा दिन मेरे साथ ही थे। वो सारा का सारा पूरा 7-8 घंटे का जो लाइव टेलीकास्ट है वो आप प्रारब्ध चैनल पर देख सकते हैं। तो अवनीश भाई, कल का दिन तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा एक शॉक, बहुत बड़ा, मतलब उस झटके से अभी तक मैं तो उबर नहीं पाया हूँ। सर, सबसे पहले तो दर्शकों को प्रणाम, आपको राम राम जी। ये उत्तर प्रदेश के रिजल्ट को आप कैसे डिकोड करेंगे? सर एक चीज देखिए, मैं सबसे पहले एक दूसरी चीज डिकोड करना चाहूंगा। नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आ रहे हैं, एनडीए की अच्छी सॉलिड स्वस्थ जीत हुई है। भारतीय जनता पार्टी केवल 31 सीट अपने जो 272 का आंकड़ा है उससे केवल 31 पीछे है। ये इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि 10 साल कोई सत्ता में रहने के बाद 15वें साल के लिए वापस आया है। यानी कुल मिलाकर ये भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी और एनडीए की जीत है। लेकिन उस पर भी कल 7 घंटा 26 मिनट 22 सेकंड लाइव सेशन करके अपने तमाम अतिथियों के बीच बैठ के, दर्शकों के बीच बैठ के लाइव इवेंट के बाद आज बाबा रामदास जी और अवनीश जी खुले मन से यह स्वीकार कर रहे हैं कि कल तो हमारे ऊपर वज्रपात हुआ है। और ये सिर्फ हम दोनों नहीं कर रहे हैं सर, भारतीय जनता पार्टी का एक एक वोटर, एक एक समर्थक, नरेंद्र मोदी का एक एक चाहने वाला इस जीत को देखिए, मेरे मुंह से जीत की जगह हार निकल रहा है, इस जीत को हार के तौर पर देख रहा है। और सर, जिन्होंने पूरा दम लगा के अमेरिका के डीप स्टेट से लेके भारत के विदेशी दुश्मनों से लेके भीतरघात करने वाले तमाम लोग से, भीतरघात को जरा इन्वर्टेड कामे में रखिएगा सर, उत्तर प्रदेश में बहुत काम आएगा समझने के लिए, वो उस संख्या के आसपास भी नहीं पहुंचे हैं। वो विक्ट्री साइन बना रहे हैं। 65 साल के इकोसिस्टम को 10 साल में नहीं निपटा जा सकता। और मैं यहां मानता हूं कि जब हम इसको हार के तौर पर देख रहे हैं, वज्रपात के तौर पर देख रहे हैं, अपने ऊपर सन्निपात होता हुआ देख रहे हैं, रात भर लोगों को नींद नहीं आई है, इस समय वीडियो करने का मन नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है सर आप उस रास्ते पर निकल चुके हैं कि अब आपको बहुत आगे और बहुत लंबा चलना है। और एक अंतिम बात सर, 241 जो सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है ना, मैं दर्शकों से अपील करूंगा कि जरा उन सारी जगहों की आबादी निकाल दीजिए, जनसंख्या निकाल के सबको जोड़ लीजिए, आपने इतने लोगों को 10 साल में हिंदू बना लिया है, केवल 31 सीट आप पीछे हैं। ये बहुत बड़ी विक्ट्री है सर, 10 सालों की ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। मुझे एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि एनडीए की बहुत अच्छी जीत हुई है और हम लोग खुश नहीं है। अरे भैया, हम लोग एनडीए नहीं, हम तो बीजेपी को लड़ा रहे थे ना, सबसे बड़ी बात, हम एनडीए को नहीं लड़ा रहे थे हम। अब आप कह रहे हैं कि वो जैसे 12वीं क्लास में बुला रहे हिंदी और इंग्लिश में, देखो कितना बढ़िया नंबर पाया हूँ हम, हमका अब बेवकूफ अब डैश, तुमको हमको डॉक्टर बनाना है बे, इंजीनियर बनाना है, पीसीएम बताओ, हिंदी इंग्लिश जोड़ के हमको मेरिट में मत आओ, तुम ये बताओ पीसीएम कितना पाए हो। तो सर देखिए, आप मुझे बहला नहीं सकते एनडीए की विकराल प्रचंड जीत हुई है, नहीं मैं नहीं मान। और एक बात बताऊं, ब्लेड रनर का नाम सुने हैं? ब्लेड रनर, उसकी एक टांग कटी हुई है तो वो ब्लेड लगा के जो होता है उससे दौड़ता है और दोनों पैर वालों से ज्यादा अच्छा दौड़ता है, उसका कारण है क्योंकि वो जो ब्लेड होता है ना उसकी दोनों टांग वो जंप अच्छा देता है, वो जंप अच्छी देता है, स्पीड अच्छी देता है, इसलिए वो सामान्य पैर वालों से अच्छा दौड़ता है, उनको पिछाड़ भी देता है। पर इसके बावजूद सर, लंगड़ हूं, लंगड़ गांव में आई है ना, तो लंगड़े कहीं है, कितनों तेज दौड़े हैं। तो सर देखिए प्लीज, हाई
फेसबुकिया लंतरानी हम लोग इसको बोलते हैं, वाह क्या मास्टर स्ट्रोक है, अरे मजा आ गया सर, बहुत करारी हार हुई है, इसको अब आप जीत कैसे कैसे डिफाइन करते हैं भाई, आप लोग तो मास्टर हैं लफाजी के, तो हार को तो जीत बना ही देंगे, आ क्या गजब मास्टर स्ट्रोक है भाई। सर सर जो आप जीते सर, हो सुनिए सर सर 34-32 या 34 तो जीते हो, अयोध्या में, अयोध्या में आपको पब्लिक ने घसीट घसीट के मारा है। सर एक बात बताऊं, डूब के मर जाना चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए हमको, आपको अयोध्या ने आपको हरा दिया है। अब आप ठीक है, हाँ अब आप प्लीज अपनी लंतरानी कंटिन्यू कीजिए। सर दर्शक नीचे इसी वीडियो के कमेंट में इस बात को चरितार्थ कर करेंगे, इसको साबित करेंगे कि लंतरानी कौन करता आया है पूरे चुनाव भर। मैं आपकी भावनाओं से खेलने का प्रयास नहीं कर रहा हूं, इसलिए अपनी पदवी आप मेरे सर मत बांधिए, अपनी पगड़ी आप मेरे सर मत बांधिए, आपकी लफाज पगड़ी आपके पास है। सर अब यहां पर आता हूं, सीधे उत्तर प्रदेश में आता हूं। हां शर्म से डूब मरना चाहिए, बिल्कुल डूब मरना चाहिए, इन कारणों को तलाशा जाना है। सर ये जितने घंटे भी रिजल्ट कंक्लूड होने के बाद बीते हैं, आज दर्शकों को से मैं हाथ जोड़ के, मैंने प्रारंभ पर भी ये कभी 10 मिनट का छोटा वीडियो डाला है, मैं यहां भी हाथ जोड़ के कह रहा हूं कि अभी हमें क्वेश्चनायर तैयार करने हैं कि कौन कौन से सवालों पर हमें इस हार की विवेचना करनी है, कौन कौन से वो कारण रहे। मैं दर्शकों से अपील करूंगा, कमेंट में अपने बिंदु भी लिखिए ताकि हमें और बाबा रामदास को ये पता चले कि इनको उस बिंदुओं को भी हम शामिल करें। और अब मैं अपनी पुरानी वाली बात पर आता हूं, जब मैंने कहा था कि विपक्ष जो आज भी कल भी विपक्ष था, तीसरे टर्म में विपक्ष ही रहेगा, कांग्रेस और एनडी गठबंधन। सर मैं भीतरघात शब्द बोला था कि इन्होंने देश के दुश्मनों के साथ साथ हर तरह के जातिखोरी, फ्री बीज और तमाम चीजों के साथ सर भीतरघात का भी सहारा लिया है। आप अयोध्या की बात करते हैं, अयोध्या में लल्लू सिंह के खिलाफ वहां का संगठन था, वहां की फीडबैक थी कि इनको रिपीट नहीं किया जाना चाहिए, क्यों दिया टिकट आपने, क्यों दिया टिकट आपने। टेनी के बारे में वहां का संगठन, वहां के लोग बता रहे थे कि टेनी हारेगा, एक क्यों रिपीट किया आपने टेनी को। अच्छा रुकिए, इसका मतलब इस बात पे तो काटा मार दिया जाए कि जनता चुनाव लड़ रही थी पहली बात, और मोदी पे वोट पड़ रहा था, इसका मतलब कोई मोदी मादी पे वोट नहीं पड़ा है, टेनी और लल्लू सिंह पे वोट पड़ा है। मोदी अपनी गणित सही करिए सर, भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत बढ़ा है, नरेंद्र मोदी के लिए जनता लड़ रही थी, नरेंद्र मोदी को जनता ने वोट दिया है, भर भर के दिया है, सुन लीजिए नहीं दिया ना अयोध्या में, मोदी को नहीं दिया अयोध्या में, लल्लू सिंह को वोट दिया नहीं दिया अयोध्या में, मोदी फैक्टर नहीं था, बिल्कुल था अयोध्या में, बिल्कुल था, कुछ कारण अभी निकल के आएंगे सर। मैं इस घंटों बीतने के बाद मैं नहीं चाहता हूं कि ज्ञान दूं जबरदस्ती कि साहब इस वजह से हार गए। मैंने इसीलिए अपील किया है जनता से कि भैया हमको बताइए कि कौन कौन से पॉइंट पर अपना होमवर्क करें, हमारे पास एक छोटी लिस्ट है, आप उस लिस्ट को बड़ी कीजिए। और सुनिए सर एक चीज आपको बताऊं, भीतरघात हुआ है, उत्तर प्रदेश के नतीजे बताते हैं, हम आप बिहार को कोसते आए हैं, और बिहार को कोसने का बिहार से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है, बिहार का जो जनमत पैटर्न था उसको हम कोसते आए, विधानसभा के लिहाज से कोसते आए, लेकिन ये वही उत्तर प्रदेश वाले हैं हम जो ये दम भरते थे कि हमने सीख लिया वोट डालना, हम सुधर गए, हम बदल गए। हम कहां बदले सर, पहला मौका आया हमने अपनी जात दिखा दी, हम उत्तर प्रदेश वालों ने अपनी जात खोल के दिखा दिया सर, कपड़ा ऐसे खोला और नंगे हो गए। एक मिनट, व्यालकोवा बहुत खुश होगा, व्यालकोवा मुझे बहुत व्यालोक जो है सुबह पांच बजे मतलब एक ही होटल में हम तीनों रुके हुए हैं, आप अपने कमरे में, हम यहाँ है क्योंकि पूरा सामान नहीं था, नहीं तो एक साथ बैठ के वीडियो किया जाता, बगल वाले कमरे में व्यालोक थे, 5 बजे सुबह गए हैं और नाचते हुए गए हैं, और एक बार फिर उन्होंने कह दिया कि हो गया ना आप उत्तर प्रदेश वाले, तो मैंने किसी तरह अपनी लाज बचाई ये कहते हुए, एक मिनट मैं कहता था बिहारियों को वोट देना नहीं आता है, हम यूपी वालों को देखो
अरे सर मुझे अपनी इज्जत बचानी पड़ी है, सुबह 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 व्यालोक भाई से मुझे अपनी इज्जत बचानी पड़ी है। मैंने उनसे ये कहा है, आप ही ना कहते हैं कि आपका बिहार लखनऊ तक आता है, तो फिर आपके बिहार ने भी यहाँ पर खेला किया है भाई। लखनऊ तक आपका बिहार आता है, अयोध्या भी आपका बिहार ही है, गोरखपुर बिहार तो पूर्वांचल को आप, पूर्वांचल को आप बिहार बताते हैं जिसने हमको उठा के चित किया है सर। अब मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछ रहा, छोड़िए ये अमित शाह वर्सेस योगी चला है क्या यूपी में? सर देखिए ना, हम भारतीय जनता पार्टी को कोई प्रवक्ता है ना आप हैं, हम लोग मिसकाल वाले भी मेंबर नहीं हैं, लेकिन जितनी जानकारी रखनी चाहिए अपने सूत्रों के आधार पर, हम भी इसी लखनऊ में घूमते टहलते हैं सर, दशकों से घूम टहल रहे हैं सर, सब कुछ ठीक नहीं है और वहीं से मैं भितरघात लेके आता हूं। कई बार जानते क्या होता है, कई बार आप अपने बेटे को वार्षिक परीक्षाओं में अच्छा नंबर ले आए तो एकाध बार एक ट्यूशन आप गड़बड़वा देते हैं कि जरा सा इसको हल्का सी चोट लग जाए, लेकिन आपको नहीं पता है कि आपका लड़का फेल भी हो गया। आपने जो भी मैनेजमेंट किया हो, क्योंकि ये तो साफ है कि उत्तर प्रदेश या कहीं पूरे टिकट दिल्ली से दिए गए, ये तो स्पष्ट है ना भाई, हम आप यही ना देख रहे हैं, सारे टिकट दिल्ली से दिए गए, दिल्ली से किसने टिकट दिए वो दिल्ली वाले जाने, लेकिन उत्तर प्रदेश में संगठन के कहने के बावजूद, जनता के कहने के बावजूद, आपके पास तमाम फीडबैक पहुंचने के बावजूद, आपने लगभग 2.5 दर्जन सीटों पर जो खेल किया है टिकट बांटने में सर, इसको क्या समझा जाए। मैं नहीं लेता किसी का नाम, लेकिन भीतरघात हुआ है सर। अब किस वजह से हुआ है वो कारण अभी तलाशने हैं, मैं इतनी जल्दी जो है वो इतना स्मार्ट नहीं हूं सर, इतना ज्ञानवान भी नहीं हूं कि मैं सारे कारण मैंने तलाश लिए और मैं जान गया, मैं डिकोड कर बैठा कि भारतीय जनता पार्टी की ये दुर्गति उत्तर प्रदेश में क्यों हुई। मेरे तमाम आकलन इस बार धराशायी हो गए, पता है क्यों? क्योंकि मैं ये समझ रहा था कि भारत की जनता सबसे पहले तो राष्ट्रभक्त, राष्ट्र प्रथम, उसके बाद हिंदू बन के वोट देगी, पर जिसको हम ठाकुर ब्राह्मण, जिसको हम हिंदू समझ रहे थे, राष्ट्रवादी समझ रहे थे, वो तो ठाकुर ब्राह्मण जाट गुजर अहिर निकल गया। सर सहमत नहीं हूं, सुन लीजिए, सहमत नहीं, शुरू में ही मैंने बोला था कि 241 सीटों पर आपने हिंदू बना दिया है सबको, क्या बात कर रहे हैं, केवल 31 सीटों पर आप नहीं बना पाए हैं और उसमें उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा भागीदार है, हमने अपना कपड़ा फाड़ के ऐसे अपनी जात दिखा दिया सर, हुआ है, बिल्कुल हुआ है। और एक चीज और हुआ है सर, एक चीज और हुआ है, ये अमित मालवीय जैसे नाकारा बेहुदा अकर्मण्य, किस बात का आईटी सेल है आपका सर, किस बात का आईटी सेल है? उन्होंने भाजपा का आईटी सेल हम लोग पिछले 10 साल तो उसको नकारा घोषित कर चुके हैं, उससे तो हमने कभी कोई आशा रखी ही नहीं। आईटी सेल पे चर्चा अलग से करेंगे एक, ठीक। मैं नहीं इसका इसकी चर्चा मैं इसलिए कह रहा था कि ये सबने देखा कि ये पूरा चुनाव मोबाइल पर लड़ा गया है, ये पूरा चुनाव सोशल मीडिया पर लड़ा गया है, नेट पर लड़ा गया है, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। उन्होंने हर झूठ को फैला लिया, उन्होंने गांव में ये एस्टेब्लिश कर दिया कि साहब 1 लाख खटाखट आएगा, दूसरा अग्निवीर बहुत बड़ा अभिशाप है, ये एस्टेब्लिश कर गए, मोदी आएंगे तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, आपके अकाउंट को बंद कर देंगे, आपके घर का सोना निकाल लेंगे, सब कुछ कर देंगे और आप बिल्कुल बर्बाद हो जाएंगे, सब कुछ उठा के ये रख लेंगे, ये सारा वो एस्टेब्लिश कर लिए और आपका आईटी सेल उन मोबाइलों तक अपनी औकात दिखा दिया, आप पहुंच ही नहीं पाए वहां काटने को, समझाने को अपने वोटर्स को, ये हुआ है। आईटी सेल ने चुनाव हरवा दिया, आईटी सेल के फेलियर। अरे सर वन फैक्टर, नहीं इस वन फैक्टर मैं तो मानता हूं इस बात, यस मैं आपकी स्वीकार कर रहा हूं कि आईटी सेल का फेलियर भी एक फैक्टर था, पर एक चीज ध्यान रखिए, एक आंकड़ा आया है, हालांकि आया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से, अभी उसको कंफर्म नहीं किया गया, पर किसी ने लिखा मुझे कि भाजपा को शायद 60 या 70 लाख वोट कम मिला है, 70 लाख, और सपा का वोट 1 करोड़ 40 लाख बढ़ा है, यह सपा का या कांग्रेस मिला के बढ़ा होगा, कुछ ऐसा है। मतलब अब इस आंकड़े की सत्यता पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसीलिए कह रहा हूँ समय बहुत कम है, अभी हम लोग नहीं कर पाएंगे, सारी चीजें नहीं आई हैं अभी दिमाग में सामने, पर इतना तो तय है कि अच्छा 2019 या 2014 की तुलना में भाजपा का वोट कितना बढ़ा है, कितना कम हुआ है,
किन सीटों पर कितना कम हुआ है, ये आंकड़ा तो अभी एक दो चार दिन में एनालाइज करके लोग अपने आप निकालेंगे, हम लोग भी निकालेंगे। एक अंतिम सवाल, छोटा वीडियो बनाना है, क्या आप इसे दो पार्टियों का रिवाइवल मानते हैं, सपा का यूपी में और कांग्रेस का देश में? बिल्कुल ठीक है सर, कुछ और जोड़ लीजिए इसमें, और भी क्षेत्रीय पार्टियों का, ये बड़ा अच्छा सवाल है, इसको बहुत ये अभी देखने की जरूरत है, ये देखने की ये जरूरत है कि ये क्षेत्रीय पार्टियां विधानसभा में अपने अपने राज्यों में कैसा करती हैं, तब मैं इसको मानूंगा। कारण ये कि बसपा का जो वोटर 2014 में 2019 में बसपा से लोकसभा चुनाव के लिए निकला और निकल के नरेंद्र मोदी के पास आया, इस बार के नतीजे ये बता रहे हैं कि वो एक बार फिर बसपा से निकला, बसपा का मूल वोटर लोकसभा के लिए, लेकिन वो नरेंद्र मोदी के पास नहीं आके अखिलेश यादव के पास, समाजवादी पार्टी के पास गया है। अब क्या वो विधानसभा में भी यही करेगा कि वो फिर वापस बहन जी के पास चला जाएगा? इसलिए क्षेत्रीय पार्टियों का मामला उनके संबंधित राज्यों में, विधानसभा में उनकी क्या स्थिति होती है, तब मैं सोचूंगा कि 2029 में अब क्या जाएगा, ये कहां रहेंगे, अभी नहीं, अभी नहीं। कांग्रेस को बधाई हो, कांग्रेस को क्षेत्रीय दलों के वोट नहीं आए हैं, लेकिन कांग्रेस को मुसलमान वोट एक बार फिर लाइन लगा के उसके पीछे पैन इंडिया खड़ा हुआ, इस बात की कांग्रेस को बधाई जाती है। तो आप, मेरा मूल सवाल था, क्या आप इसे कांग्रेस के रिवाइवल के रूप में देखते हैं? सर, विपक्ष ने अपनी अभी इस सवाल को एक और सुधार दूं, ये जो अपवर्ड ट्रेंड देख रहे हैं और लगभग 100 सीट तक पहुंच गई है कांग्रेस, तो क्या आप इसको, इस ट्रेंड को और अपवर्ड जाता हुआ देख रहे हैं? क्या ये आने वाले समय में ये वापस 100 के बाद 150, 200, 250 तक जा रहा है आने वाले समय में? सर, कांग्रेस नीत गठबंधन ने जो परफॉर्मेंस अभी दिया है इन नतीजों में, यह उनका सर्वोत्तम है उनके पूरे राजनीतिक जीवन काल में। कांग्रेस और विपक्ष इंडी गठबंधन अब अपने पूरे राजनीतिक जीवन में इससे ज्यादा परफॉर्म नहीं कर सकता। और दूसरी चीज इसी के सापेक्ष, भारतीय जनता पार्टी ने जितना कमजोर प्रदर्शन किया है 241, इससे अपने राजनीतिक जीवन में कभी नीचे नहीं जाने वाले। लोएस्ट परफॉर्मेंस निकल के आ चुकी है भारतीय जनता पार्टी की 241, और इसी के साथ कांग्रेस की हाईएस्ट परफॉर्मेंस और विपक्ष की हाईएस्ट परफॉर्मेंस आ गई है। सर, ये एक ऐसा है कि जिसको आप टेम्पलेट बना सकते हैं, अब भारत का राजनीतिक और चुनावी भविष्य यहीं से चलेगा, ये बेसिक हो गया। सर, एक चीज मैं आपको सुधार दूं, एक आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कांग्रेस में सिर्फ मुसलमान नहीं लौटा है, दलित भी इस बार लौटा है, और बहुत सारी जगहों पर दलितों ने कांग्रेस को बहुत अच्छा वोट दिया है, हरियाणा में, मैंने दिया, सर, है, वही, में दिया है, यूपी में दिया है। मैंने इसीलिए कहा ना सर कि अभी जो है ये देखना पड़ेगा कि विधानसभा में कैसे, संबंधित विधानसभा में कैसा मामला रहता है, इसमें अभी समय लगेगा सर, अभी इस नतीजे को मैं तुरंत नहीं उठा के लेके चल दूंगा। अच्छा, मतलब अभी आप वेट करेंगे, और अभी ये इतनी जल्दी आप डिक्लेयर नहीं कर सकते कि कांग्रेस का रिवाइवल शुरू हो गया है? नहीं सर, ये नहीं, मैं ये मानता हूं कि ये उनका सर्वोत्तम प्रदर्शन है, इससे ऊपर वो नहीं जा सकते, और बीजेपी का सबसे लोएस्ट है, इससे नीचे बीजेपी नहीं जाती। और तभी मैं कहता हूं कि आपने 241 सीटों पर हिंदू बना दिया है, आप 31 सीट और पीछे हैं। अच्छा, आप एक अंतिम प्रश्न, अंतिम दो, मतलब 20 मिनट में वीडियो समाप्त कर देंगे, सरकार बनने जा रही है, आप इसे लंगड़ी सरकार मानेंगे या सही सरकार मानेंगे? बिल्कुल नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे जो कुछ भी कल बोला है, और उन्होंने फिर दोहराया है कि तीसरा कार्यकाल उनका कड़ा होगा और बहुत बड़े बड़े फैसले होंगे। मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी के स्वभाव में नहीं है कि वो ब्लैकमेल हो, और वो नहीं होंगे, लंगड़ी बिल्कुल नहीं है सर। तो मैं इस टाइटल का, इस वीडियो का टाइटल दे दूं, मोदी द ब्लेड रनर। और आपका चैनल है सर, थंबनेल आपके लोगों को बनाना है, आप जो चाहे बना लें, लेकिन मैं ये स्पष्ट मानता हूं कि नरेंद्र मोदी ब्लैकमेल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। झोला उठा लेगा वो आदमी, लेकिन ब्लैकमेल नहीं होगा। एक टांग बेशक कट गई होगी, इसके बावजूद दौड़ेगा तेज है। सर कट जाए, सर हाथ में सर लेके वो आदमी दौड़ेगा, जब तक दौड़ेगा, जब गिर जाएगा तो गिर जाए।
आपने मुझे इतनी जल्दी सुबह समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं पूरे आंकड़ों के एनालिसिस के साथ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।